वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है लॉरियल बेस मैजिक स्मूथनिंग प्राइमर। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है लॉरियल की बेस मैजिक स्मूथनिंग प्राइमर और इसकी प्राइस है 950 रुपीज़ और क्वांटिटी है 15 ml की। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट 15 ml की प्रोडक्ट काफ़ी दिनों तक चल जाती है, क्योंकि इसकी बस थोड़ा सा ही अमाउंट लगती है फेस पे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आती है, जिसके ऊपर आपको इसका सारा कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसके साथ प्लास्टिक ट्यूब की पैकेजिंग होती है, जो काफ़ी स्टर्डी है, ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आप इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर टेक्सचर की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, स्मूथ सी टेक्सचर की है और कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, पिंकिश टिंट है इसमें, और इसमें कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। और इसे लगाने से बहुत ही अच्छे से ये स्किन पे स्प्रेड हो जाती है, अच्छे से ग्लाइड हो जाती है और इंस्टेंट ये स्किन पे हल्की ग्लो भी देती है, जिससे स्किन ब्राइटर दिखती है पहले से, स्किन सॉफ्ट स्मूथ सिल्की हो जाती है और ये ना ही ग्रीसी सा लगता है और ना ही कोई वाइट कास्ट छोड़ता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये काफ़ी टाइम तक ऑयल को भी कंट्रोल करके रखता है, स्किन को ऑयली नहीं बनाता है और साथ ही साथ ये पोर्स को भी बहुत ही अच्छे से फिल कर देता है, ब्लरिंग इफ़ेक्ट देता है, जिससे स्किन एकदम स्मूथ सी दिखती है। तो ये प्राइमर फाउंडेशन को इजीली ग्लाइड करने में हेल्प करता है, काफ़ी टाइम तक फाउंडेशन को स्टे करने में भी हेल्प करता है, स्मूथ फिनिश मेकअप प्रोवाइड करता है जो नेचुरल जैसा दिखता है। और हाँ, ये काफ़ी लाइटवेट भी लगता है स्किन पे। तो ये प्राइमर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, चाहे वो कोई भी स्किन टाइप हो, ड्राई हो या ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो। बट इसे लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना होगा कोई अच्छा मॉइस्चराइजर से, तभी आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है तो स्किन कैकी या ड्राई जैसी दिख सकती है। तो ओवरऑल ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट इसकी वर्क भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे से ये स्किन पे वर्क करती है। तो अगर आप कोई ऐसी प्राइमर ढूंढ रहे हैं जो आपके गड्ढे को फिल करे, स्मूथ सी स्किन में फिनिश दे और जिससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर होगा आपके लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे।